सड़क के बीच आया घर, घर मालिक ने मकान उठाकर 30 फीट कर दिया पीछे। 60 लाख के घर को नहीं टूटते देखना चाहते थे घर मालिक, तो घर को करा दिया दूसरी जगह शिफ्ट। उत्तर प्रदेश से आई कंपनी, 5 फीट घर उठाया गया ऊपर, अब घर को पहुंचा दिया गया 30 फीट दूर। पूर्वजों का घर नहीं देखना चाहते थे टूटते, तो 20 लाख खर्च कर मकान को हटाया सड़क के बीच से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम 4 लेन हसडिया टू महागामा जो बन रहा है वहां मौजूद है, 4 लेन के बगल में, और आप देख सकते हैं कि यहां पर घर लिफ्टिंग का काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें कि कईयों का मकान जो है 4 लेन में आने के वजह से मकान को तोड़ना पड़ा, और जिन्होंने मकान तोड़ा शायद उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि दादा परदादा का मकान था, तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर लिफ्टिंग करवाने का सोचा और घर लिफ्टिंग करवा रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है मकान जो है ये घर लिफ्ट लगभग 25 फीट हो चुका है और 5 फीट जो है होने को है। तो यहाँ पर जिनकी कंपनी है जो घर लिफ्ट करते हैं वो हमारे साथ। सर क्या नाम हुआ? सर हमारा जाहिद अली नाम है, कंपनी का MMJ इंजीनियरिंग हाउस लिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये UP की कंपनी है। अभी तक आपने कितने घर को लिफ्ट किया है? घर तो बहुत सारे लिफ्ट कर दिए, करीब हजारों में लिफ्ट कर दिया हूँ। कभी कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है कंपनी से, पूरा संतुष्टि से काम होता है, कोड एग्रीमेंट से काम होता है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी है 94155-17390-95-19-12-3000। साथ में छोटा भाई भी रहता है और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, चल के सारा कुछ देख भी सकते हो हर चीज। और करीब ये कब से ये कंपनी है? कंपनी को हमको खुद काम करते करते हो गया करीब 20 से 22 साल। 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस आपके? पूरा फुल एक्सपीरियंस। आपने कहाँ सीखा? हम तो कहीं भी नहीं सीखे, हम अपने ही घर से अपने आप खुद से काम शुरू किया था। खुद से काम शुरू? जी किया। जी। कैसे काम स्टार्टिंग कैसे होता है? स्टार्टिंग ये होता है, जो हमारा ये बिल्डिंग पहले नीचे था, उसके बाद में इसको करीब 5 फीट लिफ्ट किया गया है। लिफ्ट करने के बाद इसको 30 फीट दूर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग भी हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग भी हो रहा है। ये रोड जो है, रोड निकल रहा था इस करके, इनका क्या नाम है, विष्णु यादव जी अंकल जी जो हैं, उनका मकान इस रोड में फंस रहा था, इस करके इन्होंने हमारे से कॉन्टेक्ट किया कंपनी से। कंपनी का सुपरवाइजर हमारा आया यहाँ पे, फिर उनसे विजिट किया, फिर साथ में विष्णु अंकल जी और हमारे जुगनू भैया, उनके बेटा, दो भाई वो भी थे, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, फिर कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कितने का कॉन्ट्रैक्ट, कितना लगा इस घर को लिफ्ट करने में? ये करीब हमारा 13 लाख तो हमारा कंपनी का हुआ है, लगभग 5-6-7 लाख का इनका विद मटेरियल भी लग गया है लिफ्ट होने में और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में। जी मतलब 15-16 लाख का खर्च? नहीं, करीब 20 लाख का एस्टीमेट आएगा। 20 लाख का? जी जी। मकान कितने का होगा? करीब मकान 60 लाख का तो जरूर होगा सर। 60 लाख का मकान? जी जी जी। तो देखिए, 60 लाख का मकान को बचाने के लिए 20 लाख खर्च करना पड़ा। यहाँ पर हमारे साथ मकान मालिक है, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ? जुगनू यादव। जुगनू जी, कैसा लग रहा है आज आपका मकान जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है? कभी आप सोचे थे ऐसा कभी नौबत आएगा जो मकान एक जगह दूसरे जगह? नहीं, ऐसा तो सोचे नहीं थे, ये 4 लाइन के वजह से ही करना पड़ रहा है। 4 लाइन की वजह से करना पड़ा। जी। क्या आपका मकान सुरक्षित है? अभी तक तो फिलहाल सुरक्षित है। अभी तक सुरक्षित है जी। और कितना बच गया है? और 5 फीट जाना है। 5 फीट जाना है? क्या लगता है 5 फीट भी सुरक्षित चला जाएगा? हाँ, जब 25 फीट सुरक्षित गया तो 5 फीट तो जाना ही है। चला जाएगा। कितने दिन से काम लगा है? ये तो दिसंबर से ही लगा है। दिसंबर से लगा है। कितना खर्च पड़ गया? यही 20 से 25 करीब। 20 से 25 पड़ गया। आपको कभी ऐसा नहीं सोचे कि नहीं इसको तोड़ देना है? नहीं, मेरा हाथ का बना हुआ था, अभी 2 साल बना, पैर पूर्व बनाए ही थे इसको। 2 साल पूर्व बनाए। कितना खर्च लगा था? तभी फिलहाल वही 45 के करीब हम खर्च किए थे इसमें। 45 लाख खर्च किए? जी जी। और आज के अगर परिदृश्य में देखा जाए तो कितना इसका? अभी तो 60+ हो जाएगा। 60+ हो जाएगा जी। और फिर आपको 20 लाख खर्च करना, 25 लाख जी जी। तो आपका मतलब 80 लाख का ये मकान? जी जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है वर्कर दिन रात एक करके लगे हुए हैं और लगातार जग के सहारे से जो है इस मकान को जो है पीछे किया जा रहा है। तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर वर्कर लगे हुए हैं और 2 महीने का वक्त लगा और 2 महीने के बाद जो है अब जो है 25 फीट लगभग पीछे चला गया, 5 फीट अभी भी बाकी है। बस
नंबर चार दूर तक वो इसी सुनी इस साइड में तो दिखाई तो तुम कौन सा है आगे Thank you.